लॉरेंस क्या इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है, उसी ने हत्या करवाई है, ये क्या हमने पूरी ये तरीके से अभी क्लियर तक करना है? देखिए, अभी ये बोला है कि मास्टरमाइंड है इसमें एक आदमी, जो डेफिनेट हमें था कि ये शूटर का बड़ा क्लोज लिंक्ड एसोसिएट है, जिसको शूटर का पता है, जिसको शूटर के साथ जिसने पहले काम किया है, इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया है, लॉरेंस के कहने पे इन्होंने काम कर रखा है और वारदातों को अंजाम कर रखा है, तो उसको कल महाराष्ट्र पुलिस ने एक उनका अपना एक इम्पॉर्टेंट केस था लास्ट ईयर का, मर्डर केस, उसमें मकोका भी लगा हुआ है, उस केस में अरेस्ट किया। हमारी टीम भी कल से ही पुणे में है, स्पेशल सेल की टीम। अभी 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड इसकी ली है उन्होंने, आज पहला ही दिन है। हमारी टीम अभी भी वहाँ है और इनफैक्ट मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी हमारे पास आई हुई है लॉरेंस को इंटरोगेट करने। तो हमारा भी यही मकसद है कि जितना जल्दी हो सके जो भी इसमें एक्यूज्ड हैं उनको दे शुड बी हॉल्ड अप एंड दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। सर, इसका नाम कहाँ रहने वाला है और इसका इस हत्याकांड से क्या लिंक है सर? इसका नाम है सिद्धेश हीरामन कांबले, इस एलियस महाकाल। जी तकरीबन 20 साल इसकी उम्र है और कुटलमाला नारायण गांव का रहने वाला है, पुणे का रूरल एरिया का। इसका इस घटनाक्रम से ये लिंक है कि जो एक जो हमारी अभी तक का ग्राउंड वर्क है उसमें से एक शूटर को तो डेफिनेटली एंड लाइकली दो शूटर्स को ये जानता है और उनके साथ इसने पहले वारदातों को अंजाम दिया है। पर लॉरेंस क्या इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है, उसी ने हत्या करवाई है, ये क्या हमने पूरी तरीके ये से अभी क्लियर करना तक है? देखिए, अभी ये बोला है कि मास्टरमाइंड है, इसके ज़्यादा की डिटेल्स क्या करवाया है, कैसे करवाया है, ये फिलहाल इस स्टेज पे हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। हमारा सारा एफर्ट है जो भी गिल्टी हैं उनको जल्दी पकड़ने पे।